कोर्ट ने आज राजकुंद्रा को 27 तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच की टीम जो है शिल्पा शेट्टी के घर पहुंच चुकी है, जहां पर अभी छापेमारी चल रही है। इसी बीच क्राइम ब्रांच के हाथ एक व्हाट्सएप चैट लगी है, जिसमें फिल्मों को लेकर डील की जा रही थी और 121 फिल्मों की ये डील है, यानी कि इतनी तादाद में ये फिल्में बन रही थी। पॉर्न फिल्में ये थी, अडल्ट फिल्में ये थी। इन फिल्मों को बनाने के लिए जहां राज कुंद्रा यंग एक्टर्स को प्रेशराइज करके उन्हें इन फिल्मों में काम करवाते थे 20-20 25-25 हज़ार रुपये में, उनसे नंगे सीन्स करवाते थे। इन्हीं फिल्मों को राज कुंद्रा इंटरनेशनल अडल्ट मार्केट में करोड़ों रुपए के लिए बेचते थे। 121 फिल्मों की इस डील के लिए राज कुंद्रा ने 12 लाख अमेरिकन डॉलर्स यानी कि 9 करोड़ रुपए लिए थे। इंटरनेशनल लेवल पर यह डील चल रही थी और इसकी बातचीत का पता राज कुंद्रा की व्हाट्सएप चैट से ही लगा है। इसी बीच आपको बता दें कि पुलिस को ये भी पता चला है कि ये जो पैसा पॉर्न फिल्मों से राज कुंद्रा कमा रहे थे, ये पैसा वो इल्लीगल बेटिंग में लगाते थे। ऑनलाइन ये बेटिंग होती थी। राज कुंद्रा का इंडिया का एक बैंक सीज किया गया है, इसके अलावा साउथ अफ्रीका में उनका एक बैंक है। अब उसकी भी डिटेल्स हासिल करने की कोशिश कर रही है क्राइम ब्रांच। राज कुंद्रा के दो बैंक्स को अभी क्राइम ब्रांच जो है वो स्कैन कर रही है, एक तो येस बैंक है और दूसरा यूनाइटेड बैंक ऑफ अफ्रीका। इन बैंक की डिटेल्स हासिल करने की कोशिश क्राइम ब्रांच कर रही है। क्राइम ब्रांच को पता चला है कि इन फिल्मों को बेचकर जो करोड़ों रुपए राज कुंद्रा कमा रहे थे, इस पैसे को वो ऑनलाइन इल्लीगल बेटिंग में लगा रहे थे। राज कुंद्रा के ऑफिस से क्राइम ब्रांच की टीम को 70 फिल्मों की कॉपीज मिली है। ये सभी फिल्में अडल्ट फिल्में थी। आपको बता दें कि आज राज कुंद्रा की बेल पर सुनवाई थी, 27 तारीख तक उन्हें कस्टडी में भेज दिया गया है। इधर उनके वकील ने बेल के लिए हाईकोर्ट में अप्लाई किया है।